अपनी गोद में मुझे पाला है। मैं तकरीबन वो खुश नसीब हूँ कि 6 साल की उम्र से इस लाइन में हूँ और आज 22 साल की उम्र है। रेगुलर में अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज के करम से नवाजा जा रहा हूँ। ये आप बुजुर्गों की दुआएं, हमारे बड़ों की दुआएं हैं। खुशनसीबी इस बात की है कि जिन लोगों को मैं सुन सुन के बना हूं, उन्हीं लोगों के साथ आज मेरे प्रोग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग तो हिंदुस्तान के चांद हैं भाई, हम तो भी आगाज है हमारा। इंशाल्लाह जब इनकी उम्रों में आएंगे हम भी चांद होंगे। एक जुमला इन्होंने कहा था, दिलीप कुमार होता है, दिलीप कुमार जैसा वाकई में कोई नहीं है, अजीम नाजा जैसा भी कोई नहीं है, लेकिन अब का दौर सलमान खान का भी है। अभी सारी दुनिया में सलमान खान को जाना जा रहा है, अब दिलीप कुमार बुढ़े हो गए हैं। चाचा कौन हो ये, मिल गई है तो ये निस्बत नहीं जाने वाली, जो मिली मुझको वो शोहरत नहीं जाने वाली। मैं खिलौना हूं मगर चिश्तिया दरबार का हूं, टूट भी जाऊं तो कीमत नहीं जाने वाली। अभी बड़ा अच्छा मतला इन्होंने पढ़ा, ख्वाजा को बुला लूंगा मैं। कलाम तो दूसरा पढ़ रहा हूं लेकिन सिर्फ मतला चचा की नजर कर रहा हूं, क्योंकि ये 18 को मदीने जा रहे हैं और इनसे पहले मैं 6 को जा रहा हूँ, इनसे 12 दिन पहले मैं मदीने शरीफ जा रहा हूँ। सिर्फ मतलब सुनो, 1 2 3 4। भारत में हमें देखो, भारत में हमें देखो ख्वाजा से डराते हैं। सरकार वो तो अताए रसूल है, उन पे तो रहमत ही रहमत है। इंदौर पाने थामे, इंदौर पाने थामे, इंदौर पाने थामे ख्वाजा से डराते। हमको अजीम नाजा, हमको अजीम नाजा, हमको अजीम नाजा ख्वाजा से डराते। जिद्दी तो अपनी बात पे हम तो अड़े रहे, मखमूर हो के दर पे उन्हीं के पड़े रहे। यूं तो मुखालिफों ने बहुत
बहुत जोर लगाया, फिर भी हमारे नाम के झंडे गड़े रहे, फिर भी हमारे नाम के झंडे गड़े रहे, हमारे चाचा भतीजे की नोक झोंक चलती रहती है।